हेलो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी सब्जी, आलू और बैंगन की। काफ़ी लोग होते हैं फ्रेंड्स जिन्हें आलू और बैंगन की सब्जी नहीं पसंद होती है, तो अगर आप इस तरीके से ग्रेवी वाली आलू और बैंगन की सब्जी सर्व करेंगे तो उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। कढ़ाई गैस पर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, ऐड करेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को तेल के साथ मिक्स कर देंगे चम्मच की सहायता से। प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे, ऑयल के साथ मिक्स कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। 2 टमाटर को ग्राइंड करके मैंने प्यूरी रेडी किया है। सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए हमें 2 से 3 मिनट तक पका लेना है, जब तक कि हमारी प्याज का जो कच्चापन है वो निकल ना जाए। तो देखिए प्याज हमारी अच्छे से पक चुकी है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी प्याज बारीक कटी हुई और कुछ सूखे मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हींग। हींग से हमारी सब्जी में खुशबू बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। 1/2 चम्मच सब्जी मसाला। मसालों को हम मिक्स करते हुए पका लेंगे। हमें फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखना है, बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। आप चाहें तो लो फ्लेम पे भी मसालों को पका सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छी सब्जी हमारी बनेगी। मसालों को हमें तब तक पकाना है जब तक मसाले ऑयल ना छोड़ दे। तो देखिए मसालों ने ऑयल काफ़ी छोड़ दिया है। आलू को छिलका उतार करके मैंने लंबे शेप में काट लिया है। बैगन की डंडियां काट करके मैंने बड़े शेप में काट लिया है। आप अपने मनपसंद शेप में काट सकते हैं सब्जियों को। मसाले के साथ हम मिक्स कर देंगे सब्जी को। मसाले के साथ मिक्स करते हुए हमें सब्जियों को 4 से 5 मिनट तक लग जाएगा, सब्जियों का जो कच्चापन है वो निकल जाए। इस वजह से हम इसको भूंजेंगे मसालों के साथ, ताकि हमारी सब्जी सौंधी बने और अच्छी टेस्ट आए सब्जी का। तो यहाँ पर काफ़ी देर तक मैंने मिक्स कर लिया है, और अब कैप लगा करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम लो कर देंगे। यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं, और अब कैप उठा करके देखते हैं कि सब्जी कैसी है। तो सब्जी ने काफ़ी ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब कि हमारी सब्जी अच्छे से भून चुकी है। जब हमने कैप लगाया था तो हमें बीच में एक बार चेक भी कर लेना है कि कहीं सब्जी हमारी कढ़ाई से लग तो नहीं रही है। सब्जी काफ़ी हद तक पक भी चुकी है भूनते, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम तक भूंजा। लगभग 3 मिनट हमने कैप लगा करके रखा था, और 2 से 3 मिनट तक इससे पहले भी भूंजा था, तो 5-6 मिनट हमने भूंजा। और अब हम सब्जी में ऐड कर देंगे पानी, क्योंकि हमें ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए। आपको अपनी सब्जी में जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस अनुसार पानी का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है, और पानी को मिक्स कर दिया सब्जियों के साथ। अब ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक का इस्तेमाल कीजिए। नमक को भी हम सब्जी के साथ मिक्स कर देंगे। कैप लगा करके 3 से 4 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। वैसे भी काफ़ी हमारी सब्जी पक चुकी थी, तो अभी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 3 मिनट हो चुके हैं, कैप हटा करके देखते हैं कि हमारी सब्जी पक चुकी है कि नहीं। सबसे पहले हम चम्मच से मिक्स कर देंगे सब्जी को, और अब बैंगन चेक कर लेते हैं बैंगन पका है कि नहीं। चम्मच हमारा बैंगन में अच्छे से डिप हो चुका है, इसका मतलब कि बैंगन पक चुका है। और अब आलू चेक कर लेते हैं। आलू भी चम्मच से अच्छी तरीके से डिप हो गया, इसका मतलब कि हमारी सब्जी पक करके तैयार हो चुकी है। 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, भुना हुआ गरम मसाला है। इससे हमारी सब्जी की खुशबू बहुत अच्छी आती है और सब्जी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो मसालों को मैंने सब्जी के साथ मिक्स कर दिया है। फ्रेशनेस के लिए इस्तेमाल करेंगे हम हरी धनिया की पत्तियाँ बारीक कटी हुई। सब्जी हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। आप इस सब्जी को पूड़ी, पराठा, चावल, रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आती है गाइस। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा वीडियो पहली बार देखा है, चैनल सब्सक्राइब नहीं है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।